हेलो फ्रेंड्स, आम चैनल मानसी क्रिएटिविटी आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज आम जाना सिंह राशि व्यक्ति विशेष जून मासर प्रथम सप्ताह अर्थात जून एक रु सात तारीख पर्यंत समय टी किपरि सब्यस्त हेबो, केउ प्रकार रो आपण आपणकर दिन को प्लानिंग करिवे जहा द्वारा पॉजिटिव रिजल्ट मिली परिबो। एहा सह वीडियो शेषरे शुभ रंग और शुभ अंक विषय मध्य जानिबा, ता सहित किछि सठिक उपाय विषय मध्य जानिबा जहा आपणकर दिन को आहुरी अधिक शुभ और जून मासर प्रथम दुई दिन अर्थात एक एवं दुई तारीख विषय चंद्रमा दुई दिन रे आपणकर तृतीय भाग अर्थात आपणकर पराक्रम भाग दि गोचर करिबे जहा आपणक पराक्रम रे वृद्धि नै आसीबा सह स्वास्थ्य निरोग और मन प्रसन्नता भरा रहिबो। फ्रेंड्स, तृतीय भाग को यात्रार भाग बोली मध्य मनाजे जहा आपण को यात्रा रे सफलता मिलिबे सह लाभवान मध्य करैबो। एहा सह चंद्रमांकर भाग्य स्थान रे दृष्टि रहिबा कारणरु आपण को भाग्य रो संपूर्ण साथ मिलिबो जहा आपण को प्रत्येक क्षेत्र रे भाग्यशाली सब्यस्त करिबो। मन रे धर्मकर्म कार्य प्रति रुचि रखिबे, धार्मिक यात्रा मध्य सुखकर सब्यस्त हेबो, पारिवारिक साहाज्य सहयोग प्राप्त करिबा सह पिता माता और गुरुजनंकर आशीर्वाद मध्य प्राप्त करिबे। समस्त प्रकार रो काम कार्य को निजर साहस और उद्यम बल रे संपूर्ण करिबे। केवल विद्यार्थी मानंक पाई एही दुई दिन स्वल्प बाधा विघ्न नै आसीबो, अधिक परिश्रम करी सफलता प्राप्त करिबे, नचेत अन्य समस्त क्षेत्र आपणक पाई शुभ रहिबो। एबे आसंतु जानिने बा तीन और चार तारीख विषय रे चंद्रमा आपणकर चतुर्थ भाग रे गोचर करिबे जहा आपणक सुख संपत्ति रे वृद्धि नै आसीबो। भूमि और वाहन सुख प्राप्त होबा सह समस्त अधूरा इच्छा और आकांक्षा को पूर्ण करिबार मौका प्राप्त होबो। काम कार्य रे वृद्धि होबा सह सफलता और धन लाभ रो जोग मध्य रहिछि। काम कार्य रे वृद्धि कारणरु केवल मुंडबिंधा भली छोट शारीरिक समस्या देखा दे पारे और पारिवारिक सदस्यक स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा दे पारे, एणु निज स्वास्थ्य रो जत्न रखिबा सह खास करे निज परिवार सदस्यक स्वास्थ्य रो जत्न नियंतु। एबे आसंतु जानिनेबा 5 और 6 तारीख विषय रे चंद्रमा आज आपणकर पंचम भाग रे गोचर करिबे जहा फळरे दिनटी आपणक पाई अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। स्वभाव रे दयालु और विनम्र भाव देखा देबो, अन्य को साहाज्य करिबा पाई आज तत्पर नजर आसीबे। चंद्रमांकर पंचम भाग आपणक पुत्र प्राप्तिर जोग नै आसुछि और संतान सपतिक तरफर मध्य सुखबर हस्तगत हेबो। वैवाहिक जीवन रे मधुरता देखा देबो, परिवार और बंधु बांधवक सह संपर्क भल रहिबो, लव रिलेशनशिप लोकंक पाई मध्य समय बेस्ट सब्यस्त हेबो। अविवाहित लोकंक उत्तम जीवन साथी मध्य प्राप्त हेबो, जीवन साथीक ठारु संपूर्ण साहाज्य सहयोग प्राप्त करिबे। विद्यार्थीक पाई मध्य दिन शुभ सब्यस्त हेबो, पाठपढ़ा सह खेलकूद और नाच गीत रे मन केन्द्रित करिबे। फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र अनुसार पंचम भाग रो चंद्रमा गुप्तधन किंबा अचानक धन प्राप्ति करिथाए, एणु एही दिन मानक आपणकर अटकी रही धन किंबा गुप्तधन किंबा पैतृक संपत्ति प्राप्तिर धन मध्य जोग रही। आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत रहिबा सह नुआ नुआ योजना माध्यम रे एही समय रे धन एकत्रित करिबे, समस्त प्रकार रो ऋणरु भी मुक्ति पाइबे, शरीर सुस्थ और मनोबल दृढ़ रहिबो जहा फळरे दिनटी आपणक पाई महाभाग्यशाली सब्यस्त हेबो। फ्रेंड्स, एबे आसंतु जानिनेबा सप्ताहर शेष दिन अर्थात सात तारीख विषय रे चंद्रमा आज आपणकर षष्ठ भाग आपणक भाग दे गोचर करिबे जहा फळरे दिनटी आपणक पाई मध्यम फळदायी रहिबो। कौनसी मूल्यवान द्रव्यर चोरी किंबा हजिजार संभावना रही, एणु दायित्वर सह दिन टी अतिवाहित करतु। शारीरिक असुस्थता सह नेत्र रोग पेट रोग मुंडबिंधा भली समस्या देखा दे पारे, एणु निज स्वास्थ्य जत्न रखत, खास कर पर स्त्री ठारु दूरी रुहतु, नचे स्त्री संबंधित कार्य कली झगड़ा किंबा मतांतर मनातर होवार संभावना रही। कौन सी भी पुंजी नवेश आज दिन में करूँ
ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସହମତି ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ଦିନଟିକୁ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଓ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ କୁହାଯାଇଥିବା ଉପାୟକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଏ ସପ୍ତାହର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଏକ ଓ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଛ। ତିନି ଓ ଚାରି ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଧଳା ଓ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଓ ଛଅ ତାରିଖରେ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲାଲ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି ଛ। ସାତ ତାରିଖକୁ ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ସବୁଜ ଏବଂ ଶୁଭ ଅଙ୍କ ଛ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ସଠିକ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପୁରା ସପ୍ତାହକୁ ଭଲରେ କାଟିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ କଳା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଷ୍ଠାନ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ କଳା ଗାଈକୁ ସବୁଜ ଘାସ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ନଷ୍ଟ ହେବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2020 ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ବିଷୟରେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ।